हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं एसके जी ज्ञान ज्योति के स्क्रीन पर और इस पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जो है यूजी सेमेस्टर सेफ पेपर में जो हमें पढ़ना है कि डिजिटल एजुकेशन, इस पर इसका सिलेबस क्या है ये हम लोग देखेंगे। फुल मार्क्स 75 है, 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे समय मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो आइए देखते हैं। पहला यूनिट, यूनिट वन में आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो आप देखते हैं उसका बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं वो जानना चाहिए आपको। जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सिक्स जनरेशन, एट जनरेशन, एलेवन जनरेशन, कितने जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं ये आपके दिमाग को जानना जरूरी है। टाइप थ्री में है आपका टाइप्स, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस कार्य क्या हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, खराबी क्या है और फायदे क्या है। कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये हो गया आपका। यूनिट टू में पढ़ना है फाइल प्रोसेसिंग, ठीक है, इसमें पढ़ना है वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, क्रिएटिंग टेबल क्या होता है, ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, सेपरेट शीट क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस क्या क्या है, डाटा चार्ट कैसे हो क्या होता है, ठीक है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, स्लाइड शो क्या होता है, ड्राइंग एंड कैरलिंग प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आपको यूनिट टू में पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं यूनिट थ्री में, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी एंड AI के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में इसमें यूनिट थ्री में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, यहाँ देख रहे हैं टाइप्स, कितने प्रकार के साइबर सिक्योरिटी होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी का, गोल क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है। साइबर सिक्योरिटी का ट्रीट क्या है, साइबर सिक्योरिटी टिप्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ AI का इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स, एग्जांपल, बेनिफिट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बेनिफिट क्या है ये जानना है। और यूनिट फोर में पढ़ना है ई गवर्नेंस के बारे में, मीनिंग क्या होता है ई गवर्नेंस का ये पढ़ना है, ई गवर्नेंस के ऑर्निंग ऑर्गन्स कौन कौन से, अंग क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है ई गवर्नेंस का ये पढ़ना है, चैलेंज ऑफ ई गवर्निंग, ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या चैलेंज हैं, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप क्या है, G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B क्या है, गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट G2G क्या है, गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉय G2E क्या है, ये आपका सिलेबस है। यही आपको SKMU UG सेमेस्टर एक पेपर में पढ़ना है जो 75 मार्क्स का है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस तरह वीडियो फिर से अपने चैनल, इस चैनल पर, अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।